नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कुशेत यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिस लेकर आया हूं। आपके एग्ज़ाम की गाइडलाइन आ चुकी है। जितने भी स्टूडेंट चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और जो भी हमारे साथ इंस्टाग्राम पर जुड़ना चाहता है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उसको जाके जरूर फॉलो करें। और वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक शेयर सपोर्ट जरूर किया करो। मैं आपको पूरा नोटिफिकेशन दिखा देता हूँ। जितने भी यूजी के एग्ज़ाम होंगे और बीएड और इंजीनियरिंग कोर्स के, उनकी गाइडलाइन आ चुकी है इवन सेमेस्टर की। यहाँ पर देख लीजिए, इस पर आज की डेट मेंशन है। ये जो नोटिफिकेशन है अभी तक आपकी साइट पे तो नहीं आया है, लेकिन आपके कॉलेज के ग्रुप होंगे या डिपार्टमेंट के ग्रुप होंगे वहाँ पे आ चुका होगा। ठीक है, अगर नहीं आया तो एक दो दिन में आ जाएगा, लेकिन गाइडलाइन सेम है। जो मैं आपको पहले भी नोटिस आया था यूनिवर्सिटी की तरफ से, इसमें बोला गया है कि यूजी फाइनल सेमेस्टर के और बीएड के जो सेकंड ईयर के एग्ज़ाम होंगे एफिलेटेड कॉलेज के, और जो इंजीनियरिंग कोर्स है जैसे बीटेक वगैरह, चाहे आप डिपार्टमेंट के स्टूडेंट है या फिर कॉलेज के स्टूडेंट है या इंस्टीट्यूट के कोई भी स्टूडेंट है, आप अगर आपके एग्ज़ाम 16 जून से स्टार्ट होने वाले हैं, 16 जून से आगे स्टार्ट होने वाले हैं, तो सभी के एग्ज़ाम यहाँ पर ऑफलाइन मोड से कंडक्ट करवाए जाएंगे फाइनल ईयर के लिए। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर सेकेंड पॉइंट में लिखा है, अगर किसी स्टूडेंट को कोविड वगैरह हुआ है तो वो अपनी रिपोर्ट दिखा सकते हैं अपने डिपार्टमेंट के हेड को। ठीक है, एप्लीकेशन लिख सकता है, तो उसके एग्ज़ाम जो है वो बाद में कंडक्ट करवाए जाएंगे, ऐसा इन्होंने बोला है। ऐसा नहीं बोला कि उसके एग्ज़ाम ऑनलाइन करवा लेंगे। ठीक है, इन्होंने ऐसा बोला कि उसके जो एग्ज़ाम है बाद में करवाए जाएंगे, तो देख के अपनी रिपोर्ट, फेक रिपोर्ट मत देना, क्योंकि बाद में भी एग्ज़ाम देने पड़ सकते हैं आपको। और उसके बाद जो अफगानिस्तान वाले स्टूडेंट हैं या अदर कंट्री के स्टूडेंट हैं, अगर किसी कॉलेज में पढ़ते हैं या डिपार्टमेंट में पढ़ते हैं कुशेत यूनिवर्सिटी के, तो उनके एग्ज़ाम ऑनलाइन करवाए जाएंगे। ठीक है, गूगल फॉर्म के जरिए वही सेम रहेगा प्रोसीजर, ईमेल के जरिए आप पे क्वेश्चन पेपर आ जाएगा। ठीक है, जैसा पहले प्रोसीजर था वही रहेगा। और उसके बाद यहाँ पे फोर्थ पॉइंट में लिखा है कि सैनिटाइज़र वगैरह ये आपको लेके जाना है, बोतल वगैरह लेके जा सकते हो तो लेके चले जाना, मास्क वगैरह। और उसके बाद यहाँ पे पाँचवे पॉइंट में इन्होंने बोला है कि एनी क्वेश्चन आप अटैम्प्ट कर सकते हैं, यहाँ पे यूनिट वाइज कोई सिस्टम नहीं रहेगा आपका। ऐसा तो पहले भी यूनिवर्सिटी ने बोला था, पहले आपका काफ़ी पहले नोटिस आ चुका था। ठीक है, जिसमें उसमें भी यही बोला था कि आपके ऑफलाइन एग्ज़ाम होंगे और प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होंगे जितने भी आपके यूजी फाइनल सेमेस्टर के या बीएड के, ये आपके एग्ज़ाम के बाद यहाँ पे कंडक्ट करवाए जाएंगे। यहाँ पे इन्होंने बोला है ऑफलाइन मोड में कंडक्ट करवाए जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद जो इंजीनियरिंग कोर्स के जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होंगे वो एग्ज़ाम से पहले कंडक्ट करवाए जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे ब्लू और ब्लैक पेन आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने ये बातें लिखी हैं, 7 पॉइंट थे आपके गाइडलाइन के। ये नोटिस मैंने अपने इंस्टाग्राम पे डाल दिया है, ये नोटिस साइट पे नहीं आया है, तो वेट कीजिए। लेकिन ऑफलाइन तो होने ही आपके एग्ज़ाम, क्योंकि पहले नोटिस आ चुका था। अगर सिचुएशन बिल्कुल घातक हो जाती है कोविड की, वैसे तो होगी नहीं, अगर फिर भी हो जाती है तो फिर उसके बाद कोई एक्शन लिया जा सकता है, वरना अपनी जो स्टडी है वो ऑफलाइन के तरीके से, मैं आपको स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ कि उसी तरीके से अपनी जो स्टडी है वो करते रहिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सपोर्ट जरूर करना। धन्यवाद। जय हिंद।